जी मोरी दोस्तों, आज का एक लैपटॉप है। लैपटॉप चालू है लेकिन बीप साउंड आता है। अगर साउंड आ रहा है उसमें बीप साउंड आता है इसमें। और इसका प्रॉब्लम क्या है, एक बार ओपन करके देखा तो मालूम पड़ेगा। एक बार क्लीन करेगा तो फैन प्रॉब्लम रहेगा, तो रैम का प्रॉब्लम रहेगा, तो डिस्प्ले नहीं आएगा। लेकिन फिर भी दो रैम रहेगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। मैं इसको ओपन करके चेक करेंगे इसका क्या प्रॉब्लम है। डिस्प्ले चालू है, कभी कभी कीबोर्ड का भी कीबोर्ड प्रेस होने से भी अपने को बीप साउंड आता है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहला बैटरी ओपन कर लेता फिर भी बीप साउंड आ रहा है इसमें। आर्टिस्ट निकल के चेक किया हो, रैम को जब चेंज करके रखा हो, मतलब पूरा ओपन करना पड़ेगा लैपटॉप में। कौन गया इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका शॉर्टकट तो नहीं हो पाता है। और कीबोर्ड भी लगा के देखता हूँ कि कीबोर्ड का कभी कभी प्रॉब्लम आता है।
कभी कभी कैसा रहता है वो, क्या लैपटॉप ओपन करने से भी डेड हो जाता है कभी, मतलब कुछ प्रॉब्लम रहेगा, शॉर्टेज रहेगा, निकलते समय कभी समय डेड हो जाता है। तो ऑलरेडी 4-5 वर्ष हुआ लगता है, तो बहुत उसको बोल देने से ओपन करके देखा होगा। वो भी सब नहीं है, लैपटॉप ऑन हो गया है, इसका बीप साउंड जो है ये वाईफाई का प्रॉब्लम है, ये वाईफाई लगाए हो तो बीप साउंड आता है इसमें, वाईफाई निकल दिया तो ओके हो गया, तो वाईफाई का प्रॉब्लम है, वाईफाई नया लेना पड़ेगा, तो वाईफाई डोंगल लगा के यूज़ कर सकते। ओके बाय, लाइक पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय।